morning, students. Good morning, sir. Today we will learn about the next chapter. The name of this chapter, it is a very simple, the peacock. Peacock means more. And our national bird means हमारा राष्ट्रीय पक्षी. It means peacock हमारा राष्ट्र. Know about the our national bird. आज हम लोग अपने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात कुछ जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे कि हम सभी ने क्या आप लोगों ने मोर देखा है? Yes, sir. सबने मोर देखा है? Yes, sir. Very good. हमने भी मोर देखा है. एक बार मैं राजस्थान जा रहा था तो मैंने बहुत सारे मोर को एक साथ देखा था. मेरे ख्याल से उसमें छोटे छोटे उसके किड्स भी थे, बच्चे भी थे. लगभग 10 से 12 मोर मोरनी बड़े छोटे, यानी कि वो एक फैमिली जैसा था. और एक फील्ड में बहुत ही आसानी से वो घूम रहे थे. खुला हुआ ओपन फील्ड था, उसमें वो घूम रहे थे. ठीक है, तो राजस्थान में मोर बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना. तो हम लोग अपने बचपन में भी मोर का पंख जो प्लम्स होता है उसको कहीं से अगर मिल जाता था तो अपने किताबों में रख देते थे और पेंसिल रगड़ रगड़ करके उसका पाउडर बना देते थे और मोर के पंख के साथ उसमें बुक में बंद कर देते थे. और ऐसा सोचते थे कि ये एक मोर जो है किसी दिन दो मोर हो जाएगा. आज भी बच्चे ऐसा ही करते हैं. मोर मिल जाता है, पंख कहीं से मिल जाता है तो कॉपी या किताब में डाल करके रखते हैं. ये हम लोगों का एक बचपन का एक कॉन्सेप्ट था. लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए सच्चाई पता चलता गया कि नहीं, एक मोर से दो मोर नहीं हो सकता. ये सिर्फ बचपन की एक क्या कह सकते हैं बहुत ही अच्छी थिंकिंग थी कि मोर हमारा दो हो जाएगा. पेंसिल रगड़ करके हम लोग उसको खाना भी देते थे, यानी कि उसका पाउडर बना करके खाना देते थे कि ये खाएगा, बड़ा होएगा, फिर ये दो हो जाएगा. लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ. तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में टीचर्स और स्टूडेंट के कन्वर्सेशन के बारे में दिया गया है. टीचर्स क्या कहते हैं, जैसे कोई भी टीचर्स क्लास में आते हैं गुड मॉर्निंग होता है, जैसे आप लोगों ने बोला. टीचर्स देखिए पूछते हैं कि कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, यानी कि टीचर्स के हाथ में इस तरह का कोई पिक्चर है, बताइए किसका पिक्चर है. पीकॉक है. यस, क्योंकि हम सबों ने मोर कहीं ना कहीं कोई जू में तो कभी मोहल्ले में भी कभी कभी कोई लेकर के आ जाते थे पहले दिखाने के लिए. जू वगैरह में हम लोगों ने बहुत ही आसानी से देखा है उनको. ठीक है टीचर्स, वेल डन. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक. देयर आर द वेरियस स्पीसीज ऑफ पीकॉक. यू नो इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड. हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट. हम लोगों के देश में सिर्फ ब्लू कलर के यानी ब्लू स्पीसीज रेसेस के जो पीकॉक होते हैं और पिहन होती हैं वो हम लोगों के यहाँ मिलते हैं. एक्चुअली सिर्फ एक ही स्पीसीज नहीं होते हैं, इनके अलग अलग वैरायटी भी होते हैं. लेकिन मोस्टली हम लोगों के इंडिया में ब्लू कलर के जो स्पीसीज हैं वही हम लोगों के यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं. तो पीकॉक का मतलब तो मोर होता है. मोरनी का इंग्लिश क्या होता है? पी हेन. याद रखेंगे हम लोग कॉक माने मुर्गा, हेन मीन्स मुर्गी पड़े हैं. यहाँ पीकॉक मीन्स मोर और पीहेन मीन्स मोरनी. क्योंकि पीकॉक का मतलब मेल और पीहेन का मतलब फीमेल. पीकॉक का मतलब फीमेल ना. देखिए हम यहाँ लिख भी देते हैं समझने के लिए, मेल और फीमेल. फीमेल मोर और मोरनी. नॉर्मली हम लोग मोर बोलते हैं तो उनके जो फीमेल है उनका नाम है मोरनी, है ना. इंग्लिश में हम लोग उसको पीहेन कहते हैं. ठीक है,
यस सर आई हैव सीन इट इन द पटना जू इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सचमुच में मोर रियली बहुत ही खूबसूरत होते हैं टीचर Yes, you are absolutely right. It looks the very attractive and the feathers and the multicolored and the large oval body is the bright and colorful. It has a small head and a slender neck. A male peacock is the more colorful than the female one. PN. Its plumes are the matchless in beauty and are used for decoration. Teachers, क्या बता रहे हैं कि सचमुच में ये काफी खूबसूरत होते हैं. इनके feathers, इनके पंख वगैरह जो होते हैं काफी ही खूबसूरत होते हैं मल्टी कलर्ड होते हैं इनकी खूबसूरती को बयान करना आसान नहीं है सचमुच में इनमें इस तरह के और इतने बेहतरीन कलर का इस्तेमाल कुदरत ने किया है कि इनका एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों के पास वर्ड्स नहीं है इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन मैचलेस का मतलब कि इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी खूबसूरत चीज से कि ये कितने खूबसूरत हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग खूबसूरती के लिए सजावट के लिए बड़े बड़े लोग अपने घरों में इसकी सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं देखिए अभिषेक नाम के एक स्टूडेंट है क्या कहते हैं सर आई हैव हर्ड दैट द पीकॉक इट्स इवन अ स्नेक सर मैंने ये सुना है कि पीकॉक जो होते हैं स्नेक भी खाते हैं स्नेक मींस सांप है ना इट्स द फेवरेट डिश ऑफ द पीकॉक पिकॉक का सबसे पसंदीदा भोजन खाना जो है वो क्या है सांप है हालांकि वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं वो वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी हैं इट मींस ये ओमनीवोर्स हैं ये दोनों तरह के फूड मटेरियल्स को फीड करते हैं देखिए टीचर्स क्या कहते हैं इट्स नॉट ओनली स्नेक्स ये सिर्फ और सिर्फ स्नेक्स ही नहीं खाते बट ऑल्सो प्लांट सीड्स फ्रूट्स इंसेक्ट्स ये फल भी खाते हैं प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं सीड्स बीज भी खाते हैं इट डिवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजार्ड एज वेल ये लिजार्ड को और फ्रॉग को सीधे निगल जाते हैं है ना हालांकि इनकी हाइट भी अच्छी खासी बड़ी होती है ऊंची होती है ये छोटे छोटे जो फ्रॉग्स होते हैं उनको ये निगल जाते हैं एक अनदर स्टूडेंट है इमरान सर इन माय विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन मैरिज सेरेमनी सर हमने शादी के उत्सव में शादी के माहौल में हमने मोर और मोरनी का डांस देखा है टीचर्स नोडिंग मैंने सर हिलाते हैं वेल इन मैरिज सेरेमनी टू पर्संस डांस इन अ गाइस ऑफ द पीकॉक एंड द पीहेन But in reality, the peacock dance mostly in the rainy season. When the sky is overcast with the clouds, the peacock dances with the delight, spreading its colorful feathers. Has anyone seen a peacock without feathers? है ना? देखिए टीचर्स क्या कहते हैं? हाँ, शादी विवाह के उत्सव में माहौल में पहले गांव वगैरह में जो शादियां होती थी हम लोगों ने बचपन में देखा है कि पंख लगा करके दो आदमी जो होते थे वो डांस दिखाया करते थे और अपने आप को मोर और मोरनी बताया करते थे लेकिन नेचुरली ये जो मोर होते हैं वो रेनी सीजन में डांस करते हैं जब बारिश होती है ये बहुत ही आनंदित मुद्रा में यानी कि डिलाइटेड होकर के ये डांस करते हैं जब आसमान में बादल देखते हैं बारिश होती है तो ये डांस करते हैं टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं हैज एनीवन सीन ए पीकॉक विदाउट फीदर्स क्या आप लोगों ने बिना पंख के मोर को देखा है देखा है अगर इनसे सचमुच में पंख को हटा दिया जाए ये उनकी सारी खूबसूरती हट जाएगी ये बिल्कुल एकदम अजब तरह से दिखाई देते हैं और पीकॉक के बारे में एक और चीज बता दें ये जितने ही कलरफुल मल्टी कलर्स अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन इनके पैर उतने भी रफ एंड डल होते हैं उनके पैर काफी भद्दे होते हैं है ना ये भी कहा जाता है कि जब मोर और मोरनी नाचते हैं खूब खुश होते हैं लेकिन जब उनकी नजर अपने पैर की तरफ जाती है तो वो डांस करना बंद कर देते हैं
स्टूडेंट्स जवाब देते हैं नो सर। स्टूडेंट्स थैंक यू, दैट्स राइट, घंटी बजती है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, इस चैप्टर का जो हेडिंग है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, ये पीकॉक जो है व्हाई इट इज अ नेशनल बर्ड, क्यों इसे नेशनल बर्ड बनाया गया है ना, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा साइज का होता है और इसकी खूबसूरती मैचलेस है, कहीं इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके जो नेक्स होते हैं सिलेंडर होते हैं, पतले नेक सुराही की तरह, सिलेंडर नेक का मतलब सुराही की तरह की गर्दन होती है, ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किया कि मोर जो होंगे हमारे नेशनल बर्ड के नाम से भी जाने जाएंगे। ठीक है, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।